तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोड्स एनिमेट यूट्यूब चैनल। तो पबजी मोबाइल लाइट के न्यू गेम प्ले में आपका स्वागत है। तो पहले तो यार उतरते ही मेरे को ये VSS मिली थी। अब देखना इससे एक बंदा कैसे मारते हैं यार। उसके पास बंदे के पास AKM, तो भाई देखो यार कैसे मारते हैं उसे भाग भाग के। भाई उसकी AKM से रिलोड पर लगती है, मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता है यार। 10 गोलियाँ होती है, कुछ फ़ायदा नहीं यार इसका VSS का। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर हील लगाने लग गया क्योंकि वो रुक गया था थोड़ी देर वो बंदा। तो भाई हील कंप्लीट करके मैं उसे मारने की सोचता हूँ कि वो भाई ऐसे ही घूम रहा था। और जैसे ही नोक होता है मैं फिनिश करने आता हूँ, तभी भाई दो बंदे मेरे पर रश कर देते हैं M4 लेके। अभी पूरी की पूरी स्क्वाड रश कर देती है मेरे पे। तो मैं बच बच के निकल जाता हूँ वहाँ से। तो भाई और बहुत गंदे वाला सीन हो जाता है। और भाई देखो यार ऐसे मैं बच के आया हूँ वहाँ से। भाई लाइक और सब्सक्राइब तो मार देना यार। और ये भाई सब्सक्राइबर गेम है, यानी मैं एक सब्सक्राइबर के साथ खेल रहा हूँ। 2 ओवर्स स्क्वाड मेरा सब्सक्राइबर है। तो भाई देखते जाओ बस अभी उन्हें कैसे मारते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ से थोड़ी दूर जा रहा था दूसरी बिल्डिंग में, क्योंकि मुझे गन वन चाहिए थी। पहले मैंने हील वील लगाई यहाँ पे, क्योंकि भाई हील देख सकते हो मेरी। उस बंदे को नॉक करके आ गया था, मुझे पता था भाई तीन बंदे रश कर रहे हैं ऊपर। तो यार रिवाइव तो हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मारेंगे उन्हें अभी सभी को। ऐसे ही मैं भाई अंदर की साइड गया यार, चूल यार बंदों को लूटने नहीं दिया भाई, डायरेक्ट रश करा और एक शॉटगन चेप भी दी यार। मेरी थोड़ी लैग थी, उन्होंने शॉटगन चेप दी। फिलहाल तो इस बंदे को नॉक किया, मैंने सोची यार जल्दी से इसे फिनिश कर देते हैं, क्योंकि भाई किल सिक्योर करना यार बहुत ज़रूरी है। अभी उसके बंदों ने भी रश कर दिया था। ऐसे पहले तीनों एक साथ चढ़ के आए थे, दोबारा आने लग गए। तो मैं यहाँ से हील लगा के नीचे की साइड कूद गया। अब एक बंदा भाई लुटेरा होता है उनकी टीम का, जो तो लूट रहा होता है बिना पहले मारा नहीं उसने, पहले लूटने लग गया। तो मैं इसे भी यहीं पर लिटा देता हूँ। और फिनिश करने की भाई पूरी कोशिश रहती है, पर मेरे को लग रहा था यार कोई बंदा ना आ जाए। जैसा कि वो आ ही गया, उन्होंने डायरेक्ट रश किया। मैं थोड़ा घूम के निकल गया, क्योंकि भाई फिर से VSS पे बात आ गई थी और यार VSS किसी काम की नहीं है। तो मैंने सोचा यार थोड़ी घूम के जाते हैं यार, पता दूसरी गन वन मिल जाए। और भाई पता नहीं यार लक बढ़िया था, पता नहीं क्या, इस छोटे से घर में भाई एक शॉट गन मिल गई और AKM की थोड़ी बहुत एमओ भी मिल गई मुझे। तो भाई शॉट गन और 30 MO AKM की यार बहुत थी, उतने में मेरा भाई नंबर 2 भी आ जाता है, यानी अब तो भाई मार ही सकते थे उन्हें इजीली। तो मैं जल्दी से उठाता हूँ और AKM रिलोड करता हूँ और निकलता हूँ यार उन्हें मारने। इतने में भाई वो रिवाइव खेल रहे होते हैं। तो भाई देखो मैं उन्हें मारने वाला था भाई, पर मैं नंबर 2 ने यार किल चुरा लिया, देख सकते हो यार। पता नहीं भाई क्यों चुरा लिया, अब 2 किल उसे मिले और 2 मुझे। तो मैंने यहाँ पे बोट का किल सिक्योर करके अपने किल बढ़ाए पहले, तो यानी अब ठीक है यार, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। 3 मेरे हो गए, 2 उसके हो गए। अब इन बंदों को भाई स्टेडियम में फ्लेयर पा रखे, जिन्होंने मैंने सोचा यार इनकी फ्लेयर चुरा ली तो भाई चला भी देते हैं। और थोड़ी देर बाद भाई मेरे को लगा कि यहाँ पे बंदे आएंगे, पर भाई BIDM आई। मैंने सोची चलो यार BIDM में चलते हैं। अब मैंने BIDM उठाई और अपने नंबर 2 को बोला भाई आ जा। तो भाई किसी बंदे को यार साथ में खेलना तो भाई कमेंट कर देना और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना यार ID से, डिस्क्रिप्शन में ID मिल जाएगी मेरी। और भाई मेरे को यार ये चीज़ बताना भाई कमेंट करके कि भाई BIDM के ऊपर अगर रेड जोन फटे तो भाई हम मरेंगे या नहीं, क्योंकि यार अभी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे थोड़ी सी पास ही BIDM के पास ही रेड जोन फटा था तो मैं मरा नहीं। फिलहाल यार यहाँ पर मैं BIDM रोकता हूँ, क्योंकि भाई गन फाइट की आवाज़ आ रही थी। तो मैं यार रोकते हैं और भरेंगे इन बंदों के। जैसे ही बंदे की साइड जाता हूँ भाई एकदम से बंदा आ जाता है यार, मैं डर जाता हूँ एकदम से इससे भाई। पर ये बोट निकलता है तो मार देते हैं इसे इजीली। और इसके का 90-28 ठा के भाई छत पे जाते हैं भले स्नाइपिंग करने। पहले तो मैं नहीं उठाता यार, शॉट गन चलाने का मन कर रहा था। फिर मैंने सोचा यार उठा लेते हैं, चलो काम आएगी। मुझे लगा यार थड़ेल में कोई बंदा नहीं है, तो भाई अब देखना क्या गलत सीन होने वाला है। और भाई अपने टीममेट से यार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई, मुझे पता नहीं लगा वो बंदा मरा या नहीं। फिर तो मैं यहाँ पे आ गया यार थोड़ा इसको खुल के देखने लग जाता हूँ। और भाई मेरे को लगा यहाँ पे थड़ेल में कोई नहीं है, सामने से फाइट आ रही है। और मैंने भाई जैसे स्कोप करा, मैंने सोचा यार बोट है, चलो बोट को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ से किल चुराते हैं। और भाई इससे ही हो गया मेरा सीन। अब देखो उनने मेरे दबा दब भाई नॉक कर दिया। अब मेरा टीममेट भाई पहले बोट को मार रहा था, मैंने कहा यार ऊपर रियल बंदा है भाई, रियल बंदा है। मैंने माइक ऑन करके यार चिल्ला के कही उससे, मैंने मेरे वाले भाई को मरा नहीं है, शायद वो पीछे की साइड हट गया, दोबारा से मारे। मेरा टीममेट भाई उधर ही बैठ के यार हील वील लगा रहा, मैंने कही भाई कवर में आ जा वो मार देगा। पर भाई मेरा टीममेट उसे मार चुका होता है यार, मेरे को पता नहीं लगा। लाल यार इससे रिवाइव वाइव लेके मैं अभी हील वील कर लेता हूँ जल्दी से। भाई हील वील करने के बाद मैं सोच रहा था यार सामने से 1-2 किल और चुराते हैं भाई, बहुत मज़ा आएगा। इतने में भाई मुझे पीछे से ही गन फाइट की आवाज़ आई, यानी पीछे से एक बंदे का साउंड आया कि वो बंदूक चलाई उन्हें। तो मेरे को लगा यार कहीं वो भी दोबारा वही वाला सीन ना कर दे जैसे अभी मैं नोक हुआ था। तो मैं सोचा यार पीछे उस वाले बंदे को ही मारते हैं पहले। अब मैं पहले इधर ही देख रहा था, फिर मेरे को एकदम से उसकी फायर आई, तो मैं पीछे की साइड ही मुड़ गया। मेरे को बंदा दिखा और ये हेडशॉट भाई कैसा लगा बताना, और लाइक मार देना यार, सब्सक्राइब भी मार देना।
अब इस बंदे में मैंने रश किया क्योंकि भाई मुझे लग रहा था इसका बंदा भी हो सकता है। अब भाई BIDM के साथ यहीं तक था यार, मैंने ठाई नहीं BIDM और ऊपर जाके मुझे बंदा भी नहीं मिला और मेरे टीममेट ने भाई नेड कर दिया। अब मैं अगर नीचे वाली बिल्डिंग पे होता तो शायद मैं मर जाता यहीं पर, भाई नीचे भी नेड था, मुझे लगा ऊपर है तो मैं थोड़ा हिल भी रहा था। भाई एक गाड़ी आ रही थी ब्रिज कैंप की, मैंने हील व्हील लगा रहा था पर मैंने सोची वाली हील व्हील छोड़ते हैं। अब जैसे ये फटने वाली है मैंने सोचा यार अब नंबर 2 भी स्प्रे देता तो यार आराम से फट जाती है, फिलहाल यार वो बच जाते हैं। अब भाई वो गाड़ी जल चुकी थी यार, मैंने सोची स्प्रे देते हैं तो फट जाए भाई, किल आ जाते यार दोनों। अब इतने भाई ये गन की ये फाइट सुन के यार एक बंदा हम पे एम लेने लग जाता है, अब देखना उसे भी कैसे मारते हैं। फिलहाल यार मैं सोच रहा था किल चुराते हैं और फिर मैंने सोची यार जल्दी से यहाँ से तो निकलते ही यार जल्दी से, क्योंकि भाई उधर यार फाइट वाइट हो के बंदे मर जाएंगे। अब एक बंदे ने मुझे फायर दिया, मैं समझ गया एक बंदा उनको छोड़ के यार हम पे मार रहा था, मैंने एक इसके बढ़िया वाला हेडशॉट दिया एकदम कड़क वाला और दूसरा देने वाला था, तभी यार उठ के चलते यार मैंने इस पर भी देने की कोशिश की पर भाई इतने पेड़ की कवर में जा चुका था, मैंने सोचा यार इस पर तो डायरेक्ट रश करना है जो कुछ भी हो जाए, तो मैं डायरेक्ट रश करने चल दिया इस पर भाई और एम ले रखा था मैंने M4 का, एक कार 98 चेप दी थी। अब जैसे वो बाहर की साइड पीक ली उनने मेरे को मारने के लिए तो मैंने जब इस पर दिया और भाई इजीली से मार दिया। अब इसे जल्दी से लूटते भाई, इसके पास भी हील वाल ख़त्म हो गई थी सब, तो मैं लूट वाट कर आगे आया। अब देखना भाई कितना गलत सीन होने वाला है मेरे साथ भाई, बहुत ज़्यादा भाई ये गलत सीन नहीं यार, ये तो पावर गई है, ये गलत सीन नहीं है भाई, मेरा टीममेट के साथ देखना मैं क्या गलत सीन करने वाला हूँ भाई, बहुत गलत। अब यार मेरे को लगी यार वो बंदा रिवाइव वाइव खेल लिया तो मैंने भाई 2 नेट फेंके। अब देखो भाई मैंने कहाँ पर नेट फेंके और नंबर 2 भाई वहीं जाके खड़ा हुआ यार, बिल्कुल वहीं जाके। अब पहले नेट से नंबर 2 नोक, मुझे लगा एक बंदा नोक हो गया, और दूसरे नेट से भाई नंबर 2 फिनिश। तो यार क्या कर सकते हैं भाई अब बताओ मुझे। फिलहाल भाई उस बंदे ने यार मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नेड़ वेड़ यहाँ पे ढूंढे तो यार उन बंदों को तो मारना ही था क्योंकि वो अंदर की साइड थे, अभी दिखेगा देखो वो रहे। अब यहाँ से यार पता नहीं है कहाँ निकल जाते थे, पहले तो मैं नेड़ वेड़ ढूंढ के लाया इनकी पेटियों में से और नेड़ वेड़ मुझे मिल गए थे 3 नेड़, तो मैं उसे यार जल्दी जल्दी फेंकते हैं उन्हें और देखते हैं यार बंदा मरेगा या नहीं। मेरा टीममेट बोल रहा था भाई शॉटगन ठा ले शॉटगन ठा ले, तो मैंने कहा यार शॉटगन का क्या काम है यार, नहीं इनसे मारते हैं। अब जोन यार थोड़ी आगे था ना, ध्यान नहीं दिया भाई जोन में यार बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए थे, अब ये पीक ले रहा था यार, मैं जल्दी से इसे फायर दे रहा था, इन्हें मैं उल्टी सीधी ऐसे ही चला रहा था अपनी K98 क्योंकि भाई मुझे लग रहा था यार उसके पास ओम वोम निकल के तो चिपका देगा और एक ही में भाई गेम प्ले का सीन कर देगा। मैंने एक और नेट ट्राई करा यार, पता नहीं है पीछे से कहाँ निकल जाते हैं भाई, इतना छोटा जोन है और पीछे यार इसका पीछे का भी नहीं पता भाई कहाँ पे होंगे। फिलहाल इनको मारने की पूरी कोशिश होती है और यहाँ पे भाई मैं सोचता हूँ यार इस वाले बंदे को मारते हैं, इसके एक शॉट लगा और मैं सोचता हूँ जोन आ गया और भाई पीछे से मेरे क्या पड़ी ना यार, देख सकते हो यार पता नहीं कहाँ से निकल के आ गए वो बंदे। अब ये सामने एक बंदा जा रहा था, मैंने सोचा यार इसे मारते हैं और इस भाई इस टावर जो है लकड़ी का टावर भाई इसमें भी बंदा बैठा है यार, तो भाई क्या कहाँ पे कैंप करके बैठे हैं, मेरे को मारा सामने वाले ने। फिलहाल यार दूसरी गेम प्ले में आते हैं, यहाँ पे भाई उतरते मुझे UMP मिल गई थी और इस बंदे को तो भाई बजाना ही था क्योंकि यार अब कितना ये भाग ले, अब तो इसे मारना ही है और इसको भाई फिनिश भी करेंगे यार साथ में। अब इसकी गेम देखो स्टार्ट होते ही ख़त्म होगी, यानी भाई इतने चीज़ कुछ सेकेंड ही सर्वाइव कर पाया यहाँ पर भाई, ये गेम प्ले भी तबाही जाने वाला है। फिलहाल उसका एक और बंदा आ गया था यहाँ पर तो मैंने इसे भी मार दिया और ये भाई खड़ा पता नहीं कैसे रह गया यार मरने के बाद, तो कब जी भाई लाइट वालों के सस्ते नशे हैं भाई। चलो फिलहाल कोई नहीं यार, यहाँ पे मैं थोड़ी लूट वाट करता हूँ यार, यहाँ पे मुझे AKM सब मिल जाती है भाई, बढ़िया वाली लूट मिल गई थी। तो फिलहाल अब मेरे सामने होने वाला भाई एक कैंपर से, क्योंकि भाई ख़तरनाक वाला कैंपर रहता है यार, मैंने सोची यार पैर के निशान तो आ रहे हैं पर पता नहीं लग रहा भाई कहाँ पर है, अभी पता नहीं नेट का ग्लिच था उसका, नेट वेट की प्रॉब्लम थी या खुद ही भाई कैंप कर रहा था वो। मैं जैसे ही नीचे गया मुझे पैर की आवाज़ आ रही थी तो मैं उसके हिसाब से गया। अब भाई एकदम से जैसे मैं अंदर घुसा भाई मैं डर गया एकदम से, सामने खड़ा उन्होंने भाई क्या फायर दिया यार, मुझे मर भी नहीं रहा था भाई, इतने गोलियाँ लगी, इसके बाद हेलमेट तो था ही नहीं, पता नहीं यार क्यों नहीं मर रहा था। फिलहाल इसको मार के मैं थोड़े पीछे की साइड आया था क्योंकि यहाँ पे भाई फाइट की आवाज़ आ रही थी और भाई यहाँ पे यार इस टीम को जैसे मारूँगा भाई उसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है यार। फिलहाल तो यहाँ पे मैं डैमेज ही दे पाया, मैंने सोची AKM निकाल के लिए नोक करते हैं, मैंने इसे भी नोक किया और इसे भी नोक किया। तो यहाँ पे यार कम से कम भी 2-3 टीमें भिड़ रही थी आपस में, तो मेरा किल यार पता नहीं किसने चुराया, तो मैंने चलो यार अब तो उन्हें छोड़ना ही नहीं, इसने भी किल चुराया। अब किल चुराने वाला बंदा भाई ऊपर था और उसने भाई क्या ही डैमेज दिया यार, बढ़िया वाला एकदम खतरनाक, नहीं भाई बिल्कुल ही पावर ले गया। अभी भाई एक और बार वो मेरी पावर ले जाता है यार, मैंने सोची यहाँ पे डैमेज देते हैं उसे, भाई जैसे मैं उसे मार रहा था उनने भी मुझे सपोर्ट कर लिया और भाई क्या ही डैमेज दिया और मैं क्या ही भाई किसी क्या ही टाइम पे यार नीचे बैठ गया।
जो जो बच गया ना वो ले जाता। अब उनकी फाइट आपस में चल रही थी, मैं यार जल्दी से इनके किल लेने हैं मुझे। अब ये वाले जो बंदे आए थे, ये वाली जो टीम आई थी यार, ये दूसरी वाली टीम को तो मार देते हैं, पर इस टीम को हम मारेंगे देखना। अभी अब इन्होंने ख़त्म कर दिया और मेरा भी एक किल आ गया भाई, उसमें किल चुरा नहीं पाए वो। फिलहाल यार इस बंदे को मैंने डैमेज दिया और नोक भी कर दिया इजीली। अभी इस बंदे को यार अंदर जाने का मौका ही नहीं दिया मैंने, मैंने उछल उछल के जाने की कोशिश करा था भाई, और इसको लपेट दिया यहाँ पे। यहाँ पे 6 किल हो चुके थे, अभी ने लूट वाट कर मैं निकल लिया यहाँ से गाड़ी उठा के, कि भाई और भी किल चाहिए थे अपने को। अब उधर एक और बोट आया था तो मैंने बोट को मार दिया यार, हटा दिया उसे। अब भाई सामने क्या ही तबाही मची पड़ी थी और दो बंदे भाई क्या ही भाग रहे थे, तो मैंने सोचा यार मारते हैं जल्दी से इन्हें। अब ये दोबारा से लूट वाट के भाई दोबारा से लूटने जा रहा था, तो मैंने सोचा यार दोबारा दोबारा कहाँ लूट रहे हो भाई, अब तो मरना पड़ेगा यार, तो मैं अब सारी लूट यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी। फिलहाल यार इस बंदे ने लूट के चक्कर में अपने हील वील कुछ नहीं करी भाई, सब कुछ खो दिया इनने। फिलहाल तो मैं इसे इस गंदे वाला स्प्रे देता यार, लेट नहीं किया था दोनों बंदों में थी भाई, दोनों के साथ में यार गेम के बाहर जाना था। यार मुझे यहाँ पे बोट दिखा जो कि इनका ही किल था, तो मैंने इसे भी चुराया जल्दी से, और 10 किल हो चुके थे भाई। यहाँ तक हमारे अभी भी 18 बंदे अलाइव थे। अब भाई इसे मैं मार रहा था, मैंने सोचा यार पीछे से लोग बोट है, और इसी गलती की वजह से यार मैं बहुत बार मरता हूँ, मैं बोट समझता हूँ और रियल प्लेयर निकल जाता है यार कभी कभार। और मैं सामने वाले को मार रहा था, मैंने सोचा यार पीछे वाले को तो मार ही देंगे। सामने से मैंने एक और किल चुराया और पीछे वाले को भी ये मार दिया भाई। ये UMP गन है यार, बहुत खतरनाक गन है। लास्ट तक भाई इसी UMP से ही सर्वाइव करने वाले हैं हम, तो देखते जाओ भाई। और मज़ा आ रहा हो तो यार सब्सक्राइब मार देना, लाइक वाला बटन भी दबा देना, और किसी भाई को साथ में खेलना हो तो बता देना कमेंट करके। यार यार गाड़ी आती है, मैं यार इसका पीछा छोड़ना नहीं है, पर भाई ये मेरे पीछे लग जाता है और सिंगल ही बंदा रहता है। मुझे लगा पूरी टीम होगी पर सिंगल ही रहता है। अगर गाड़ी मेरी थोड़ी बढ़िया जगह लगी हुई थी, इससे यार ये बीच में आ गया और मैं बच गया इजीली। मैंने इसे तो मार दिया भाई UMP, देख सकते हो यार। और अगर ये मेरी गाड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती तो ये चढ़ा देता है जल्दी। फिलहाल मैं यहाँ पे हील वाल करके यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक बोट मिला। मैंने सोची यार थोड़ी देर घर में जाके थोड़ी सी कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं, यानी थोड़ा बहुत बंदे की लोकेशन पता लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे आके लोकेशन ही पता लगा था। पर मुझे यार सामने मैंने सोचा जोन में चलते हैं, क्योंकि भाई सामने यार दो बंदे थे और भाई पैदल जाना बहुत मुश्किल था, उस पहाड़ पर ही थे दो बंदे। मैंने सोचा यार डायरेक्ट टच करते हैं, अब 2v1 यार जो बात देखी जाएगी। फिलहाल तो मैं थोड़ी घुमा रहा था, मैं सोचा यार उनकी MO थोड़ी रिलोडिंग पे लगाते हैं। और भाई मेरी गाड़ी चलाने का स्टाइल देखो, अब भाई क्या ही मेरी गाड़ी गिरी यार इस बंदे के साथ, देखो कितना गलत सीन हुआ भाई, इसके ऊपर ही गिर गई और ये भाई नोक। अब तो भाई बहुत ईजी था यार इन्हें मारना, 1v1 थी, और 1v1 में तो भाई फाड़ के रख देंगे यार कोई सा भी बंदा हो। तो मैंने यहाँ से इसे डैमेज दिया पहले तो, और मैं ये भाई इतने में नीचे कूद जाता है, मैं ऊपर जाता हूँ भाई, मेरे पास हाई एडवांटेज भी हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद भाई नीचे वाले बंदे को मारना इजी होता है। पर मैं यार इसे कूद के इजीली मार देता हूँ, और भाई हमारा 18 किल के साथ हो जाता है चिकन डिनर। यही था आज का गेम प्ले, आई होप आपको पसंद आया होगा।